सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वह सब मानवता चैनल में रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयंती कोटे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच में जगतार सिंह साहब दिल्ली से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जगतार सिंह साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी सभी को। रायपुर से परम सत्कार हमारे मनमोहन सिंह सैलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर हैं और आ, आ, हमारे काफी सत्कार योग हमारे खास मेहमान हैं। और कई एपिसोडों में हमारे बीच में कृपाल सिंह साहब के साथ में उनकी परिचर्चा होती रही है छत्तीसगढ़ में, डायरेक्ट उनसे मोबाइल से बातें हो रही है। तो आज हम दोबारा हिंदी में फिर से उस महान धन्यवाद। शख्सियत जो हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फाउंडर मेंबर थे डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, जो हमारे बीच में नहीं रहे, और उनकी याद में हम लोग उनको अपने अपने शब्दों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हम फिर से जुड़े हुए हैं। तो मैं आज के खास परिचर्चा पर मनमोहन सिंह सैलानी साहब, जो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर हैं और छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे समाज के प्रति उनका काफी लगाव है, समाज को जोड़ने के दिशा में लगातार काम करते रहते हैं। इस बीच में कृपाल सिंह साहब से उनकी कई बार बातें होती रही है कि विभिन्न समाज के जो पिछड़े हुए भाई हैं उनको जोड़ने के लिए लगातार कृपाल सिंह साहब यत्न करते रहे, और गुरु गोविंद सिंह से लेकर के गुरु नानक साहब तक के विचारों को अपने जीवन में समेटे हुए ऐसे परोपकारी कृपालु, उनका नाम ही उनके माता पिताजी ने कृपाल डॉक्टर कृपाल रखा था, ऐसे कृपालु हमारे बीच में आज हमारे साथ नहीं रहे। तो उनकी याद में हम सबसे पहले मैं आज के वक्ता के रूप में मनमोहन सिंह सैलानी साहब से आग्रह करूंगा कि कृपाल सिंह साहब के बारे में अपने मुखारविंद से ऐसे महान शख्सियत के बारे में याद करके उन्हें हमारे बीच में उनकी यादों को ताजा करें। मनमोहन सिंह सैलानी साहब सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। डॉक्टर कृपाल सिंह जी की याद में सभी भाइयों को वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरमुख वाहे गुरु जी जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सचा पिंड मलिया। कौरे कुरे जी के प्रयासों से हमारी मुलाकात वीडियो के ऊपर ही डॉक्टर कृपाल सिंह जी से कुछ वर्ष पूर्व हुई। वो तो गुरु के प्यारे थे, गुरु के लाल थे, और उन्होंने बड़ा शौक था उनको सिख धर्म की बातें करने का। जो हम अरदास में भी कहते हैं, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रहत। कृपाल सिंह जी का विचारों के कारण हमारे से इतना स्नेह हो गया था, कई बार कई कई लंबी बातें करते थे तो बोल देते थे, आंखों को काम तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही, मैं दूसरे देश से बोल रहा हूं। लेकिन फिर कहते थे कि कुछ ना कुछ इस जन्म में गुरु के राह पर चल के कर लें, इस जन्म में बिछड़े हुए नहीं मिलते, इस जन दुनिया से जब चले जाएंगे फिर पता नहीं एक मुलाकात कहाँ और कैसे होगी या नहीं होगी। मुझे उनकी बातों में बड़ी प्रेरणा हिम्मत सलाह अंकल जी का हमसे कनेक्शन नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है। देखते हैं अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम योगदान दिया और दूर दूर बैठे लोगों को संपर्क करके उसके उनके अंदर सोई हुई जो आशा थी उसको फिर जागृत किया, और हमारे जैसे लोगों को फिर सरगर्म करके उन्होंने बड़ा परोपकार किया। हमें आशा थी कि वो कभी हमारे पास आएंगे या हम उनको मिलेंगे, दिल की बातें दिल में ही रह गई और हम कुछ अगली बातें नहीं कर सके। ये अकाल पुरख का हुक्म है कि इस जन्म में जल्दी से जल्दी जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी सोचते हैं, उसको कर डालना चाहिए। अगर किसी मित्र प्यारे को मिलना है तो मिलने चला जाना चाहिए,
इससे पहले कि वो हमारे से दूर चला जाए, सदा सदा के लिए दूर चला जाए, हम उसको मिलके अपने दिल की बातें साझी करके, गुरु की बातें साझी करके अपना जन्म सफला करें। डॉक्टर साहब भले विदेश में बैठे थे लेकिन गुरु उनके अंदर बैठा था, गुरु की जज्बा, गुरु के विचार उनके अंदर एक्टिव थे। किसी चीज का होना और एक्टिव होना दोनों बातों में बड़ा फर्क है। डॉक्टर साहब के अंदर सिक्खी एक्टिवेट थी और उन्होंने सिक्खी को बढ़ाने के लिए जो प्यार बांटा सदैव हमें याद रहेगा। और जो हम रोज अरदास में कहते हैं, संबत सा लिखिया मिलकर पावो तेल, देव सजना सिसरिया जो होवे साहब से मेल, ये मानवता टीवी चलता रहे, ये भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेघराज सिंह जी को भी वाहेगुरु हिम्मत और हौसला दे, जो दूर बैठे अपने कारोबार के अलावा जो बांट के खाएं, वो सिर्फ लंगर ही बांट के नहीं खाना, विरासत को भी पूरी दुनिया में बांट के इस जन्म में लोगों को जोड़ सकें, तभी हम गुरु नानक के सच्चे सिख कहला के गुरु नानक देव जी महाराज की खुशियां प्राप्त करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर उनकी यादों को प्रणाम करते हुए अरदास करता हूँ, हे सच्चे पातशाह, हे वाहेगुरु, उस भाई को जो हमारे से दूर चला गया है अपने चरणों में निवास देना, परिवार को हिम्मत सबल और उनके मार्ग पर, क्योंकि वो गुरु के मार्ग पर चल रहे थे, हम अगर उनके मार्ग पर चलेंगे, उनका मार्ग गुरु का मार्ग है और उन्होंने अपने जन्म सफला किया है, उनके राह पर चल के हम भी अपने जन्म को सफला कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल अंकल जी, मनमोहन सिंह अंकल जी, जो बहुत ही खूबसूरत शब्दों में उनको, कृपाल सिंह साहब को याद किया है। और गुरु के सच्चे प्यारे थे ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हर हमेशा उनके अंदर में परोपकार की भावना, लोगों की दुखों की चिंता, लोगों की समस्याओं की चिंता, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो वो कर गए अपने जीवन में। हमेशा हमारे समाज को जोड़ने की दिशा में, सतनामियों को जोड़ने की दिशा में, सिकलीगर को जोड़ने की दिशा में वो हमेशा सोचते रहते थे। कभी कभी मनमोहन सिंह सैरानी साहब ने ठीक कहा जी, तो वो जब फोन करते थे तो वो कम से कम आधे घंटे, 10 मिनट 20 मिनट वो लंबी बातें करना चाहते थे, दिल की गहराई में से बात करना चाहते थे। तो ऐसे महान शख्सियत को हम हमारे बीच में चले जाना, आज भी मुझे ऐसा होता है कि हमारे बीच में ही है, कहीं आसपास में ही है, हम आज ही उनसे बात करेंगे, या ऐसा हमारे दिल में आत्मा में महसूस होता है। तो मैं अगला इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, उनकी यादों को ताजा करते हुए जयंती खूटे से आग्रह करूंगा कि जयंती खूटे को वो अपना बेटी मानती थी, मानते थे, और हमेशा उनसे बातें करते रहते थे। हालांकि उनसे मोबाइल से ही संपर्क हुआ और बहुत स्नेह करते थे। मुझे कई बार बातों में उनके बारे में जब उनसे संपर्क नहीं होता था, कई दिन वो जब हो जाते थे तो पूछा करते थे कि जयंती कुंटी खूटे का कारोबार कैसे चल रहा है, ये आदि बातें वो पूछा करते थे। तो मैं चाहूँगा, जयंती खूटे जी से उनका संपर्क था, कई बार वो अपने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे डायरेक्ट बात भी किया करती थी। तो मैं चाहूँगा कि आज के उनके यादों को किस ढंग से संजो करके जयंती खूटे जी उन्हें याद करते हैं, मैं चाहूंगा कि उनके बारे में कुछ अल्पाज कहें। जयंती खूटे जी, सत श्री अकाल, धन्यवाद जगदीश सर, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। बहुत सही कहा आपने कि डॉक्टर कृपाल सिंह जी मुझे अपनी बेटी मानते थे, वो मेरे लिए मेरे पिता के समान रहे हैं हमेशा, और इस तरह से अचानक से उनका चले जाना मेरे लिए बहुत ही दुखद रहा है। मैं तो इस बात को, जब मुझे न्यूज़ मिली, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब हमेशा से उन्होंने मुझे, मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए मोटिवेट किया। जब भी मैं काम से परेशान होती या पारिवारिक कोई समस्या होती, मैं हर अपने प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करती और वो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते थे।
मतलब हर तरह से उन्होंने मेरी मदद की। मतलब वो मेरे लिए मतलब गॉड के बाद दूसरे नंबर पे आते थे, और मैं उनको अब मतलब वो इतने अच्छे थे, उनकी अच्छाई को शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। और वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे परिवार का, मेरे कारोबार का, मेरे बच्चों का, सभी का वो बहुत ख्याल रखते थे। वो हमेशा मतलब किसी भी तरह की समस्या होती थी तो उसमें मुझे हमेशा एक अच्छी राह दिखाते थे कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, उसका क्या अच्छा सॉल्यूशन होगा, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। मतलब बहुत सारी चीजें जो उलझ जाती थी उनको वो मुझे रास्ता दिखाते थे कि बेटा ऐसा करो, इससे आपको ऐसा बेनिफिट मिलेगा। मतलब बहुत ही हेल्प किया है उन्होंने मुझे। मतलब पिछले मतलब ज्यादा तो नहीं, पर जब से मैं उनसे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से मिली, मुझे मतलब उनसे मिल के, उनसे जो ज्ञान मुझे मिला, उनका जो स्नेह मिला, उसके लिए मैं ईश्वर की बहुत धन्यवाद करूंगी, ईश्वर का उनके लिए कि उन्होंने डॉक्टर कृपाल सिंह जी को मेरी जीवन में एक पिता के रूप में भेजा था। और उनका मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं ये जो समय था बहुत कम मैं उनके साथ रह पाई। मुझे ऐसा था कि मतलब जिंदगी भर वो मेरे पिता के समान मेरे जीवन में रहें और मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहें, मुझे रास्ता दिखाते रहें। और वो हालांकि भी चले गए हैं, बट यकीन नहीं होता है कि वो चले गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे साथ है, हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि अब उनसे बात होगी, मुलाकात होगी, अभी उनका कॉल आ जाएगा। इवन व्हाट्सएप वगैरह पे वो हर 2 दिन 3 दिन पे हमारी मतलब या तो फोन पे बात हो जाती थी, वीडियो कॉल पे बात हो जाती थी, मैसेज पे, मैसेंजर पे, मतलब हम बहुत ही कनेक्टेड थे। तो मतलब एक सदमा सा लगा मुझे कि मतलब अचानक से ऐसे कैसे चले गए अंकल जी। और मतलब मुझे पहले से पता भी नहीं था कि वो बीमार रहे हों या जो उनके साथ जो भी हुआ, लेकिन बहुत ही दुखद रहा। और जिंदगी भर उनकी मतलब कमी महसूस तो होगी, लेकिन मैं वाहेगुरु जी से अरदास करती हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दें और वो जहाँ भी हैं बहुत खुश रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। मैं इतना कह के अभी अपने वाणी को भी देना चाहूंगी। जी बहुत शुक्रिया जयंती जी, आपने बहुत ही मार्मिक शब्दों में डॉक्टर कृपाल सिंह साहब को याद किया है। हालांकि हम सब लोगों के लिए दुखद की बात है। मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि वाकई जी में जो पिता का साया होता है, जो प्यार करने वाले होते हैं, ये गुरु के समान होते हैं। हम ही उनके बच्चे नहीं थे, पूरी मानवता को वो अपने बेटे और बेटियां मानते थे। मेरी बेटी रायपुर में पढ़ाई कर रही है, मैं उनको एक बार प्रॉब्लम बताया कि मेरी बेटी का फाइनल ईयर का फी का मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, और उन्होंने सहर्ष मेरी बेटी के लिए उन्होंने योगदान किया, और मैं आज कह सकता हूँ कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनाने में उनका एक बड़ा योगदान है। तो मेरी बेटी से भी डायरेक्ट वो नंबर ले लिए थे और कभी कभी बात भी किया करते थे, पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई में क्या दिक्कत है। तो ऐसे थे कृपाल सिंह साहब, जिनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम शब्द है। तो ऐसे महान शख्सियत का गुण जो है कुट कुट के उनके अंदर में भरा हुआ था। हालांकि वो अमेरिका में चले गए थे, लेकिन भारतवासियों के बारे में वहां से बैठे बैठे इतनी दूर उनकी सोच, उनकी प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी लगाव। मैं ये और बताना चाहूंगा, जब भी 18 साल 18 दिसंबर गुरु पर्व जब आता था, तो हमारे क्षेत्र में मैंने एक बार शेयर बताया उनको कि हमारे क्षेत्र में बहुत ही निर्धन लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनके पास ठंड में ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं है। तो उन्होंने गर्म कंबल भी और लंगर का भी एक दो बार वो अपने सहयोग करके उस कार्यक्रम के लिए मुझे मदद किए थे। ऐसे थे कृपाल सिंह साहब।
तो मैं इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में परम सत्कार हमारे जगतार सिंह साहब जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपाल सिंह साहब से उनका भी काफी टच था तो वो आज के इस परिचर्चा पर हम जगतार सिंह साहब से चाहेंगे कि कृपाल सिंह साहब को किस तरीके से याद करते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए उनके लिए अपने मुखारविंद से बातें कहेंगे जगतार सिंह साहब। सबसे पहले सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कई बार जूम मीटिंग में बहुत कुछ कहना, सुनने को, बोलने को मौका मिला, आपके समक्ष अपने विचार रखने का मौका मिला, पर आज जिस विषय पे जिन महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए आपने जितना मुश्किल टास्क आज मेरे को दिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी श्रद्धा के भावना के उनके प्रति व्यक्त करूं। जिस किसी को भी डॉक्टर साहब जी की, कृपाल सिंह जी के स्वर्गवास की खबर मिली कि वो अकाल चलाना कर गए हैं, हर आदमी शोक में था, हर आदमी शोक में। कुछ बातें ऐसी होती है जो सार्वजनिक मंचों पे बोली जा सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो सार्वजनिक मंचों पे नहीं बोली जा सकती। मैं सभी की बातें सुनता हुआ या जिनसे भी मेरी बातचीत होती है उन सभी से बात करते हुए एक अजीब सा अनुभव कर रहा था कि उन शख्सियत से हम में से कोई भी आदमी कभी मिला नहीं, सिर्फ फोन पे बात हुई। जी फोन पे हमारी बात चर्चा होती थी, फोन पे बात चर्चा करने पे वो हमारे पे इतना विश्वास करते थे, कई नौजवानों को उन्होंने सिक्खी की तरफ लेके आए। आमतौर पे क्या होता है, हमारे यहाँ कंप्लेंट होती है कि भैया हम अमृत छिका रहे हैं, सिक्खी की तरफ लेके आ रहे हैं, बाद में किसी का केयर टेक नहीं कर रहे, किसी का ध्यान नहीं रख रहे। इस चीज में नंबर डॉक्टर कृपाल सिंह जी ले गए, उन्होंने किसी को भी कभी छोड़ा नहीं, किसी को नहीं छोड़ा, हमेशा सबका पूरा ध्यान रखा। मैं यहां तक बोलूं कि मैंने कभी डॉक्टर साहब जी के साथ फैमिली के साथ नहीं हुआ कि उनकी फैमिली के बारे में जानकारी इकट्ठी करूं। मैं हमेशा रिश्ता जो है कौमी का, कौमियत का रिश्ता बना के रखता था, कौमी विचारधारा या देश की समस्या, समाज की समस्या, इस चीज की बात करता था। क्यों, मैं नहीं चाहता था, ठीक है वो बाहर फॉरन में बैठे थे कि हाँ भाई कुछ ऐसा लगे कि हाँ भाई बंदा कुछ ज्यादा ही, पर वो मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, एक एक आदमी का नाम लेके कहने कथन से बाहर की बातें हैं। जितना प्यार उन्होंने दिया सोसाइटी को, समाज को, मेरे को खुद को भी जितना उन्होंने प्यार दिया, शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। आज हम, क्योंकि हमारा रिश्ता हमेशा उनके साथ सामाजिक ही रहा, कौमी समस्याओं पे चर्चा करते रहे, काफी लंबी छोटी चर्चाएं होती थी, तो मैं ये कहूंगा कि उनकी अभी हमारे को बहुत जरूरत थी। वो साइकोलॉजी के ऐसे डॉक्टर, और हर आदमी को जिसके साथ भी वो बात करते थे उसको पूरा रिलैक्स कर देते थे, और सिर्फ बातों में ही रिलैक्स नहीं किया, कितने मैं जानता हूं कितने लोगों को उन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प करी जरूरत पड़ने पे, जैसे अभी जगदीश कुरे जी, सतनामी जी ने बताया। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके फिर बाद में फोन आते हैं, कईयों का बाद में पता चलता है कि नहीं डॉक्टर साहब। अब जब वो हमारे साथ सिर्फ फोन फोन के ऊपर जब हमारी बातें होती थी, घंटा घंटा, 15-20 मिनट तो कोई आम बात थी, 15-20 मिनट तो कोई चीज ही नहीं थी, जब हमारे लोगों के साथ इतना प्यार है, देश दुनिया के होर धरती पे पाकिस्तान तक लोगों ने उनसे प्यार व्यक्त किया, तो मैं सोचता हूँ कि परिवार के लिए कितना बड़ा सदमे वाली बात होगी, परिवार को कितना बड़ा झटका लगा होगा। बाकी अब अंत के अंतर तो यही है कि अब अकाल पुरख वाहेगुरु का भाणा है, पर एक ऐसा हीरा हमने गवा दिया, एक ऐसी शख्सियत को हमने गवा दिया
या हमसे चली गई, या जो अकाल पुरख वाहेगुरु का भाणा था उस भाणे के अंदर डॉक्टर साहब की कमी शायद ही कोई पूरी करे। क्योंकि हम सभी एक बात बोलते हैं कि नहीं समाज को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा समाज ही वाली बातें अलग चली गई। डॉक्टर साहब में खासियत थी, वो काबिलियत थी, वो बहुत कुछ कर सकते थे। अभी हमारे को उनकी बहुत जरूरत थी, हमारे को उनका बहुत आशीर्वाद चाहिए था। अभी अगर वो हमारे बीच में बैठ के हमारे को मोरल सपोर्ट भी करते रहते ना तो हमारे को, पर ठीक है, अब अकाल पुरख वाहेगुरु का भाणा है, परमात्मा परिवार को, उनके साथियों को। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वाला समय है इस समय कि हाँ मैं ऐसे ट्रिब्यूट डॉक्टर कृपाल सिंह जी को याद करके भी, वह परमात्मा उनकी अपने चरणों में निवास बख्शे। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह जी। बहुत शुक्रिया जगतार सिंह साहब, आपने भावनात्मक रूप से, मार्मिक रूप से कृपाल सिंह साहब को याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में जसपाल सिंह साहब आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जसपाल सिंह साहब, आप अपना परिचय बताते हुए हमारे दर्शकों को कृपाल सिंह जी के बारे में आज के इस लाइव प्रोग्राम पे उन्हें किस ढंग से याद करते हैं, कब से आपका उनका संपर्क रहा, मैं चाहूंगा कि आज के इस लाइव प्रोग्राम में उनको याद करके उनके विचारों को जीवंत कर सकते हैं, कर सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जसपाल सिंह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जसपाल सिंह, इस वक्त मैं बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक तो रिटायर हो जी। अजकल सलानी साहब बैठे साढ़े मनमोहन सिंह जी सलानी, साढ़े फाउंडर मैंबर गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल दे, ते इस दे विच भी सेवा असी करदे हां। पर मैं जदों डॉक्टर कृपाल सिंह जी दा, मैं जदों इन्हां दा मिलाप, मैं न्यूयॉर्क आया सी अगस्त विच, तो मैनू वासु जी ने इन्हां नाल मिलाया वैबीनर ते। सच जाणो अजे मैं असी ये कह सकते हैं कि मेरे चार कु साढ़े तीन महीने का इन्हों का मेरे कंटैक्ट बने, पर लगता है कि जिमें इन्हों का जोड़ा मेरा मिलाप है जन्मा जन्मा तो, इस करके कि जिमें तुम हमने कह कि ही वॉज ए मैन ऑफ माइंड, माइंड डिवेलपमेंट, माइंड ट्रेयर, उन्होंने परमात्मा ने उन्होंने ऐसी स्किल भी ऐसी सी कि सैकैट्रिस्ट से भी उन्होंने, वो मैगनैटिक परसनैलिटी से भी किस तरह हर एक अपने नाल जोड़ना। जदों मैं उन्हां नाल पहला गल कीती तां मैं दस्या कि अपने कैसी गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल वालों एक पंजाब दे सारे सूझवान बंदिया दे 31 राइटर्स दे असी पंजाब लई इकनोमिक विजन तैयार किया कि फ्यूचर दे लई सिख कौम की खुशबू किवें दुनिया तक फैले। वो इन्ने एक्साइटेड होए, मैनू कहिंदे जसपाल सिंह जी तुसीं इस वक्त कित्थे हो, मैं कहा जी मैं न्यूयॉर्क, कहिंदे तुसीं मैनू भेज सकदे हो किताब, मैं कहा जी गल ही कोई नहीं, मैं उसे वक्त उन्हां नूं कोरियर कीती, तीन दिन बाद मिली उन्होंने किताब। मैं देखना भी एक्साइटमेंट देखो दी हो ही एक्सेप्टेड न्यू आइडियाज, तो वह कहें जी नैक्सट वैबीनार वो किताब से ही होएगा। तो सारे कंसैप्ट मतलब साढ़ा भी दरबार साहब की स्पिरिचुअल बैकग्राउंड की है, वह आर्कीटेक्चर की है, ये साढ़े सिखी दे विच जिहड़ी साढ़े लाइफ का जरा एक मेन एक आइडियल मैन किस तरह हो सकता है, साढ़ी वे ऑफ लाइफ किस तरह है, सिख इकनोमिक्स की है, पंजाब की इकोनमी नूं किवें रिवाइव किया जा सकता है गुरुआं दे इकनोमिक विजन नाल, उह सारे विषय ते वो मेरे नाल फोन ते डिस्कस करदे रहे। ते देखो उन्हां जी किन्नी मतलब सी कि जिहड़ा असी किताब लिखी है, वो कहिंदे ने इह किताब दुनिया तक फैलनी चाहिए, क्योंकि उहदे विच इकनोमिक विजन तो इलावा जिहड़ी सिख की साडी जिहड़ी रूट्स हैगे किवें डिवेलप हुई है, गुरु रामदास जी का विजन, दरबार साहब दे सेवा, अमृतसर दा सेवा, जिहड़ा फिर करतारपुर का मॉडल है इकनोमिक मॉडल दुनिया के लिए, तो उन्होंने मैं स्पैशल तीन चार इंटलैक्चुअल इंट्रोड्यूस कराया। मैं ये कह रहे हैं कि तुहानूं तुसीं विक्की सिंह जी ने जरूर कंटैक्ट करो, मैं तुहाडी किताब उन्होंने भेज दिती है ताकि जिहड़ा तुहाडा न्यू विजन है दुनिया का सिख इकनोमिक्स का दुनिया तक फैले। सो मैनू तो यही लगता है कि ही वॉज ए सेंट इन, वो कहते ना भी कोई जरूरी नहीं सेंट वो ता ही होंगे कोई भगवे कपड़े पा लवे, ही वॉज ए सेंट इन पेंट एंड कमीज। सो तुम बिल्कुल जिम्मे हमने कह रहे थे दरवेश है, दरवेश डॉक्टर सन कि उन्होंने अपने लिए नहीं जीविया, मैंने लगता उन्होंने अपना
दुनिया दे ले, मानता ले, समाज ले, सिखी की खुशबू दुनिया तक पहुंचाने लिए जीविया। सच जाणो मैं नहीं लगता वह साढ़े चो गए जेडे उन्होंने कर्म है, क्योंकि अकाल पुरख के गुरबाणी बड़िया तो कनावत किन्ने ना राखिया जावत क्यों राखिया जाए। बाकी तन 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 जन आया जिस प्रसाद से जगत रहे, योजे जे इंसान देवता संत पुरुष वह साड़ी यादा विच अपने जो उन्होंने जोड़ी जीवन की जो उन्होंने कार्य किए सेवा की जो उन्होंने लिख के गए वो साढ़े लिए मार्गदर्शक रहेंगे हर वक्त। घटोघट मैं तो कहंगा चाहे उन्होंने बलाम मेरे पिछे चार महीने का मेरे जीवन की याददायक टुटंग बन गए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जसपाल सिंह साहब, आपने बहुत ही मेमोरेबल बातें कृपाल सिंह सिप के बारे में कही है, वाकई में दिल को छूने वाली बातें कही है और ये बातें उनके अंदर में कूट कूट के भरी हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से हम उनके साथ में चैनल के माध्यम से जुड़े तो वो बार बार कहते थे कि कुर्रे जी ये जो हम बातें करते हैं ये गल्ला बातें नहीं होनी चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो बात करते हैं उसका धरातल में उसका महत्व होना चाहिए, उसके उसको दिखना चाहिए। तो ये बातें वो बार बार कहते थे कि सिर्फ बातों करने से नहीं होगा, लोगों को जोड़ें, लोगों को भाईचारा बांटें, आपस में लंगर की व्यवस्था शुरू करें। तो ये बातें जो वो कहते थे वो करके भी दिखाते थे। और देखिए सोचिए कि देखिए इतने दूर हम लोगों से रहते थे लेकिन जब से ये हमारे मोबाइल के माध्यम से जूम मीटिंग के माध्यम से इस चैनल हम तो ये भाई साहब मानवता चैनल में जोड़ने के लिए भी उनका मुझे बहुत बड़ा प्रेरक उनका योगदान रहा है कि आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स पर सतनामी समाज के इतिहास के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में या जितने भी गुरु हैं उनके विचारों के बारे में हिंदी में सेशन शुरू करें ताकि उसकी विचारों को, गुरु ग्रंथ साहब के विचारों को जन जन तक फैलाएं और भाईचारा को जोड़ करके आपस में एक विचारधारा, एक ओंकार जो सतनाम करता पुरख आदि सच जुगादि सच को जोड़ने का जो गुरु नानक साहब की जो फिलॉसफी था उसको हमेशा जीवन पर्यंत यही कहते रहे कि लोगों में प्यार बांटो तभी हम आपस में जुड़ पाएंगे। और ये एक ऐसा मूल मंत्र है जिसको गुरुओं ने दिया है, उसको एक एक गुरु के रूप में, एक शरीर के रूप में आकर के उनके मुखारविंद से, क्योंकि गुरुओं को तो हमने देखा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं किसी के मुखारविंद से अगर वो बातें हमारे तक पहुंचती है तो वही गुरु का एक शब्द के रूप में हम श्रवण कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से ताजा बनाए रखने के लिए जो हमारे पास समय है उसमें मनमोहन सिंह सैलानी साहब हमारे छत्तीसगढ़ के महान हीरा हैं, उनको भी मैं हीरा मानता हूं और वो भी मेरे पिता समान है, मेरे पिताजी भी नहीं हैं। फाउंडर मेंबर है जी गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल। जी जी मुझे पता है। तो मैं जब से पापा जी से मिला हूँ मेरे को लगता है कि मेरे पिताजी आज भी है और मैं पिता के स्वरूप में उनको मानता हूँ, देखता हूँ। तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, मेरी मेरे मेरे अंदर में एक शक्ति मिलती है और मैं बहुत ताकतवर महसूस करने लगता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ के हमारे पिछड़े हुए भाइयों को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, मैं एक घटना याद करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। मनमोहन सिंह सैलानी जी ने मुझे मदद किया था जब आनंदपुर साहिब में 550वीं साला गुरु पर्व मनाया जा रहा था तो विभिन्न समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया था आनंदपुर साहिब में। उस समय गोविंद सिंह लोंगोवाल जो है SGPC के चीफ थे, उनके हाथों मुझे स्वरूपा भेंट करके वहां सम्मानित होने का अवसर मिला और मुझे लगा कि मैं एक पिछड़े हुए भाइयों के गले मिलने जा रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो ऐसे ही मतलब हमारे इस सिख कौम में ऐसे ऐसे महान हीरा हैं जो लगातार समाज को जोड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक साहब के विचारों को, फिलॉसफी को लगातार खुशबू फैला रहे हैं और यही एक भाईचारा जो हम लोग को देखने को मिलता है वो सिर्फ सीखने को अगर मिलता है तो सिर्फ सिखों से हमको मिलता है। तो मैं चाहूँगा फिर से मनमोहन सिंह सैलानी अंकल जी से कि वो कुछ और भी अनछुए पहलुओं को बात करके हमारे दिल की गहराइयों तक कृपाल सिंह के बारे में दोबारा अपनी बात रख सकें, क्योंकि हमारा समय नज़दीक आ रहा है। तो मैं आप दोनों जितने भी महान महान हमारे जो वक्ता है उनसे मैं चाहूँगा
उनको हम अधिक समय दें और अपनी बात रखें। मनमोहन सिंह सैलानी साहब। सभी मेरे जो जूम में जुड़े हुए भाइयों, हम डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि उनकी यादों के द्वारा ही नहीं, उनने जो हमें पैगाम और प्रोग्राम दिए उसको आगे इम्प्लीमेंट करें। हमारे बिछड़े और पिछड़े पंजाब में प्रचार अपने ढंग से होता है, लेकिन जो करोड़ों लोग 18-20 करोड़ लोग पूरे संसार में फैले हुए हैं, चाहे वो सतनामी हैं, चाहे वो शिकलीगर हैं, चाहे वो कबीरपंथी हैं, चाहे वो बंजारे हैं, किसी न किसी शिकलीगर हैं, किसी न किसी रूप में हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम गुरु नानक का आवाहन, गुरु नानक का पैगाम किसी प्रोग्राम बनाकर उनको गले लगाएं। ये शक्ति उस दिन पूरे संसार में प्रकट जिस दिन हो जाएगी, उस दिन फिर हमारे ये बुजुर्गों ने जो लड़ी और कड़ी का काम किया, एक दूसरे से जुड़ने का काम किया, डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम एक एक व्यक्ति को भी अगर जोड़ते जाएं, जिस तरह एक एक ईंट से दीवार, दीवारों से किला, किले के अंदर किलाबंदी और नाकेबंदी करके हम अपनी कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु नानक का पैगाम, जो उन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की, आज तो घर बैठे भी हम अगर एक एक परिवार को भी अपने गले लगा लें तो हमारी गिनती डबल हो जाएगी, हमारी संख्या डबल हो जाएगी। गुरु नानक जी ने जहाँ पर 550 साल पहले भी संदेश दिया, वहां पर उनके किए द्वारा हमारी कौम के डीड्स और सीड्स, सीड भी डीड है तो डीड भी सीड है, तो रूट से फ्रूट तक हमको काम करना है। और उनकी पढ़ाई के बारे में, कारोबार के बारे में, विरासत के बारे में, और सबसे बड़ी बात, हमने उनको प्यार देना है, हमने सबको सम्मान देना है। ये जो कारोबार है, ये जो कोई और बातें हैं, ये एडिशनल है, ये बोनस है। बुनियादी चीज प्यार, सम्मान और गले लगाकर, हम विवेकानंद जी ने जो कहा था, गुरु नानक जी ने बाहें फैला के पूरे संसार को अपने गले लगाया। अंत में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए जो स्टडी सर्कल के हम शुरू में भी पढ़ते हैं मूल मंत्र का 5 बार, सभी अपनी अपनी जगह पाठ करके फिर इसको संपूर्ण करें। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव अकाल मूर्ति अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैवं गुर प्रसाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी मैं इस परिचर्चा को फिर से जसपाल सिंह साहब के पास ले जाना चाहूंगा। जसपाल सिंह साहब, आज के इस परिचर्चा पर जो अभी समय हमारा बचा है, सारांश में अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे कृपाल सिंह साहब के बारे में। नहीं, मैं तो ये आज चाहता था कि जो आपके और भी जिन जिन लोगों को मैं ये कहूंगा कि उन्होंने हर इंसान से देवता बना दिया सबको, मैं उनके विचार सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था कि जैसे आपने बोला ना, सलानी जी ने जैसे कहते कैसे, मतलब उन्होंने पोइटिकल वर्ड बोले, रूट से फ्रूट है जी, लड़ी से कड़ी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जैसे आपने बोला ना कि जैसे कोई एक जो मिट्टी पड़ी पत्थर होता है, जब उसको शिंगारा जाता है वो ही किसी महल का या मंदिर का ताज बनता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने आम आदमी को देवता बना दिया, जो जो उनके स्पर्श में आए ना, जैसे आपने बोला है
उसकी उसके उसकी उसकी प्रॉब्लम सुनना, उसके शौक सुनना। सो मुझे उनको लगता है कि वो हर को अपने गले में लगाना चाहते थे। जो गुरु नानक का संदेश है ना कि सब जैसे हमारी गुरबानी का है, जैसे कबीर जी का अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, जा जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो, वो ऐसे संदेश किसी धर्म से ऊपर उठ के, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो किसी जाति का है छोटे, उसको साथ में गले लगाना। और जो एक सबसे जो है वो जो गुरु नानक का संदेश है ना, नीचे अंदर नीच जात, नीची हो अच नीच, उस जो खास करके डोंट रोडन से उसको अपने मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बार बार मुझे दो, आप मैंने पहले भी बोला था, दो तीन किताबें रेफरेंस की, रिटन बाय पीटर फ्रेडरिक एंड भजन सिंह जी, कि कैसे इंडिया में अब बदलाव आ रहा है। फिर इसी संबंध में एक उन्होंने मुझे नंबर दिया जीवन सिंह जी वाला जी, जो आजकल तमिलनाडु के जो एक एडवोकेट है, वो कमाल का काम कर रहे हैं कि कैसे जो खास करके ऐसे जीवन सिंह जी, हाँ जी, हाँ जीवन सिंह जी, लामा जीवन सिंह मल्ला, मल्ला जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मैं लगता है मैं उनके जीवन से ऐसा लग रहा है को लगता है वो तो एक क्रांतिकारी इंसान लगते हैं। उनमें भी स्पिरिट लगता है गुरु नानक की बख्शिश के ऊपर, ऐसे काम कर रहे हैं लगता है कि अगर ऐसे जिस ढंग से वो चल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना सारी नदियां खीर में समुन्द्र में पड़ती हैं, उनका विचार तो ये है कि ये सिखी किसी सिखों की नहीं है, ये सारी मानवता की सिखी है। जो उनमें ऐसा जज्बा देख रहा हूँ, अगर ऐसा जज्बा रहा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सिखी का दूसरा नाम मानवता है, जो प्यार है, सबको गले लगाना है, अगर जिस आंधी की तरह वो फैल रहे हैं, तो मुझे तो जो सलानी जी के जो लफ्ज बोले हैं ना 8 करोड़, वो तो पता नहीं उसमें कितनी सिफर लगानी पड़ेगी। वो जिस जज्बे से ऐसे ऐसे इंसानों से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और कितने कितने देखो 3 महीने में कितने कितने बंदे इंसानों की उन्होंने बात की है। सो मैं यही कहूँगा कि वो जो उनकी सोच है, उनके जो एक्शन है, उनके जो काइंड वर्ड्स एंड काइंड डीड्स है, इट विल रिमेन एवर गाइडिंग फोर्स फॉर अस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जसपाल सिंह साहब। मैं लास्ट कमेंट के रूप में जगतार सिंह साहब से फिर से चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। जगतार सिंह साहब, मैं अभी अपने जसपाल सिंह सर जी को सुन रहा था जो PNB से हैं, और एक बात मैं अपने अंदर हजम करके बैठा हुआ था, क्यों तो मेरे को नहीं लगता था कि डॉक्टर कृपाल सिंह जी के बाद मेरी वो बात को कोई तवज्जो देगा, पर जसपाल सिंह जी की बात से मेरे को हौसला मिला जब उन्होंने पहले बोला कि डॉक्टर कृपाल सिंह जी हमेशा नए आइडिया के लिए तैयार रहते थे, उनको वेलकम करते थे। इस बात की गवाही मैं भी भरता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब से मेरी जब भी बातचीत हुई है हमेशा कौमी मसलों के ऊपर हुई है, और उस कौमी इतिहास के ऊपर, नजरिए के ऊपर जब भी मैंने उनको कोई नया आइडिया देने की कोशिश करी है, तो मैं उनका नाम लेके भावुक क्यों हो जाता हूँ। अब मैं आज मीटिंग में पता नहीं किसी को पर्सनली बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मेरे को आज तक कभी किसी ने सही नहीं बोला जो मेरी ठोट है, जिसके साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठती, क्योंकि कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी रही है कि मेरे को डॉक्टर साहब ने हमेशा, जो भी मैंने उनको कोई आइडिया दिया कि ये चीज डॉक्टर साहब, मेरे को लगता है कि सिख इतिहास में, सिख पक्ष में, सिख नजरिए में ये चीज ऐसे चेंज होनी चाहिए, इस चीज को हम ऐसे रख सकते हैं। मैंने किताब पढ़ी थी अपना साहिब कमाल दौलत राय की, उस किताब में मेरे को पढ़ के बहुत ये फील हुआ कि एक बार तो सिख कम्युनिटी ने उस किताब को बहुत समझा, बहुत पढ़ा, और एक टाइम ऐसा आया जब सिख विद्वानों ने कहना शुरू करा कि वही सिखों का हिंदुत्वीकरण कर रही है, तो सिखों ने उस किताब को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उस किताब में से कई पॉइंट भी निकल के आते हैं कि सिख नजरिए से कभी सिख इतिहास लिखा ही नहीं गया। जब उस नजरिए से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखता था, बोलता था और किसी के सामने लेके जाता था, मेरे को कभी किसी ने ठीक नहीं बोला कि आप ठीक काम कर रहे हो। एक डॉक्टर कृपाल सिंह ऐसी रूह है, ऐसी शख्सियत है, जिन्होंने शायद मैं डिप्रेशन में चला जाता कि यार मेरे अंदर ऐसी ठोट आ की रही है, ऐसी विचारधारा आ की रही है, जो मैंने कभी भी लिखा, मैं समझता हूँ कि एक माँ के अलावा एक दूसरा आदमी वो थे डॉक्टर कृपाल सिंह जी, जिन्होंने हमेशा मेरे को कहा नहीं जगतार सिंह आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो।
ऐसी बेमिसाल शख्सियत अभी हमारे को उनकी बहुत जरूरत थी जी। ये अगर मैं हमारी सिखी के अंदर हमारे को एक चीज सिखाई जाती है कि ना तो किसी की उस्तत करनी है और ना ही किसी की निंदा करनी है। अगर उस्तत और निंदा दोनों से बाहर निकल के मैं बोलूं तो वो एक बहुत बड़े हीरा थे जिसको हम नहीं पहचान सके, और अभी हमारे को उनकी बहुत जरूरत थी। और अब तो वही जैसे हमारे को सलयानी साहब जी ने बोला, मनमोहन सिंह जी ने बोला, उनके मिशन को जितना जितना हम उनको समझे हैं, जितना जितना किसी को समझ में आया, क्योंकि वो बहुत ही बेमिसाल शख्सियत थी। एक साइकोलॉजी के डॉक्टर होने के हिसाब से वो हम सब को समझ सकते थे, हम उनको नहीं समझ सकते थे पूरी तरीके से, पर जितना जितना किसी को समझ में आया है, जितना जितना किसी को समझ में आया है, उनके मिशन को आगे लेके जाना ही अब हमारे लिए जिम्मेदारी है, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ परिवार को एक बार फिर दोबारा, क्योंकि परिवार से मेरी जान पहचान नहीं है, आपके माध्यम से मैं परिवार को एक बार, उनके रिश्तेदारों को, उनके जानने पहचानों को वालों को फिर दोबारा अपने श्रद्धा के सुमन भेंट करता हूँ, अपना शोक व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कम शब्दों में जयंती कुटे से चाहूंगा कि अपने मुखारविंद से कुछ लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बातें कहें, फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जयंती जी, धन्यवाद सर। मैं सभी की बातें सुन रही थी, मुझे मतलब मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जैसा डॉक्टर कृपाल सिंह अंकल ने हमें जो शिक्षा दी, जो ज्ञान की बातें उन्होंने बताई, और वो हमेशा हमें जो प्रेरित करते थे कि एक दूसरे की मदद करो और समाज के लिए मतलब लोगों को जोड़ो, साथ में अच्छे लोगों का एक मतलब जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों का, उन्होंने कई बार मुझे ये भी बताया था कि जरूरी नहीं कि हम फाइनेंशियली ही किसी के हेल्प करें, एक मोरल सपोर्ट, एक मोटिवेशन, एक जैसे हिम्मत हौसला भी देना बहुत बड़ी बात होती है। तो इंसान कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, एक मोरल सपोर्ट भी काफी हद तक मुसीबतों से बाहर निकालता है। तो अंकल जी की को अगर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि भी कि हम मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उनकी मदद करें, उनके सुने समझें, और जैसा भी हो सके हम उनकी हेल्प करें, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी अंकल जी को हमारे लिए, हमारी तरफ से। और इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से मैं उनके पूरे परिवार वालों को अपना मतलब प्यार देना चाहूंगी, और मैं मतलब इस पर वाहेगुरु जी से अरदास करूंगी कि उनको हिम्मत हौसला दें, क्योंकि अंकल वाकई में उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, बट हमें मतलब हिम्मत हौसला रख के मतलब उनके जो विचार हैं उसको आगे बढ़ाना है और एक दूसरे की हेल्प करना है, यही मेरी श्रद्धांजलि है अंकल जी के लिए। हम बहुत याद जी, बहुत शुक्रिया जयंती खुट्टे जी, आपने बहुत ही मार्मिक शब्दों में डॉक्टर साहब को याद किया है, और सभी मेहमानों ने भी अपने अपने मुखारविंद से बातें कही है, विस्तार से बातें पूरी हो चुकी है। मैं लास्ट में मनमोहन सिंह सैलानी अंकल से फिर से दोबारा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं और गुरु गोविंद सिंह जी की फिलॉसफी को, गुरु नानक साहब की फिलॉसफी को छत्तीसगढ़ में जन जन तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं लास्ट में उन्हीं के मुखारविंद से मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा सबसे। तो मनमोहन सिंह सैलानी साहब फिर से लास्ट में कृपाल सिंह साहब को, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। कुछ दिन पहले हमने गुरु नानक देव जी का पहली पातशाही का गुरपुरब मनाया, प्रकाश उत्सव मनाया, बाबे डिठा ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसाई, गुरु नानक देव जी ने सतनाम का मंत्र दृढ़ाया। हमारे पास ये जो बीज है, अच्छे डीड और विचारों का सीड, ये जगह जगह जो गुरु नानक देव जी बो के गए हैं उसको प्रफुल्लित करने के लिए हमें छोटे छोटे प्रोग्राम बना के थिंक ग्लोबली वर्क लोकली, अगर अपने आजू बाजू में अपनी बरादरी भाईचारे में
हम ये करेंगे तभी हम वहम भरम पखंड जात पात ऊंच नीच इस सब वर्णवस्था से बच पाएंगे। फिर गुरु नानक का संदेश जैसे अभी पिंकी जी ने जसपाल सिंह जी ने बताया, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस पैगाम को आगे बढ़ाया, उनकी पहली पसंद सिख धर्म थी लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण उन्होंने जो गौतम बुद्ध जी को शरण में जाना उनकी मजबूरी बन गई, उन्होंने फिर भी कहा मैं पैदा वर्णवस्था में हुआ हूँ पर वर्णवस्था को त्याग के जाऊंगा। और गुरु नानक देव जी ने, कबीर जी ने, रविदास जी ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया, अगर उसमें हम थोड़ा थोड़ा भी योगदान डालेंगे, अपनी हिस्सेदारी करेंगे, तो जल्दी ही वो दिन आएगा जब गुरु नानक देव जी का ये पैगाम, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डे स्वीकारीस। आज पॉलिटिकल पार्टियां ओबीसी की बात करते हैं तो मैं एबीसी की बात करता हूँ, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, मैं गुरु नानक का सिख होने के नाते ऑल बैकवर्ड क्लासेस, आओ उनको गले से लगाएं, इस भारत की शक्ति, देश की धरती शक्ति और मानवता की शक्ति को बढ़ाकर और उनके हौसले पस्त करें जो मानवता के दुश्मन है। ये सभी संगठित होकर ही हम कुछ कर सकते हैं। संग संगत में भी संग लफज है, संग मतलब यूनाइट, एक होकर हम एक और एक 11 हो जाते हैं, 3 एक मिल जाए तो 111 हो जाते हैं। हम अपने अपने इलाके में एक दूसरे के सहयोग से और अपने अनुभव एक दूसरे के साझे कर हम अगर इस प्रचार प्रसार को सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे और लिटरेचर के द्वारा आगे बढ़ाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब सारे संसार में सतनाम का डंका बजेगा और हर व्यक्ति बोलेगा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। और इस प्रोग्राम की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।